हेलो दोस्तों, जीनियस वर्ल्ड के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय एक ऐसा फिनोमिना जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट कर रखा है, लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ते रहती है। इसे बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटना और ऐसे व्यक्ति सामने आते रहते हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने समय यात्रा की है। और ऐसी ही एक घटना हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। जून 1951 की मध्य एक रात करीब 11:15 पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर एक आदमी प्रकट होता है। वो अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया ये किसी को पता नहीं चलता। उस व्यक्ति ने बहुत ही पुराने समय के कपड़े पहन रखे थे। उसके हाव भाव को देखकर ये साफ प्रतीत हो रहा था कि वो अपनी मौजूदगी से काफी हैरान हो रहा था। वहां टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनी को बड़ी हैरानी भरी नजरों से वह देख रहा था। वहां खड़े लोग भी उसे उतने ही हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। वो जैसे ही सड़क के किनारे पहुंचा, सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हुई, जिससे वो रहस्यमय व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी वहां पर मौत हो गई। मौत के बाद जब उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद ही अजीबोगरीब और हैरान करने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी साफ करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लिबरली स्टेबल वॉशिंगटन एवेन्यू। 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में यह पता नहीं था। लगभग $70 के करीब कुछ पुराने नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिस पर लिखा हुआ था रुडोल्फ फेंट्स और एड्रेस था 5th Avenue न्यूयॉर्क। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे 5th Avenue न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था, और उस लेटर पर सन 1876 के स्टैम्प भी लगे हुए थे। रुडोल्फ फेंट्स के नाम वाले इस व्यक्ति के पास से मिले सभी चीजों में एक बात खास थी, और वह यह थी कि इतनी पुरानी समय के होने के बावजूद भी चीजें बिल्कुल नई हालात में थी। इस केस की तफ्तीश का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट ब्राइन को दिया गया। कैप्टन हम्बर्ट ब्राइन जब बिजनेस कार्ड पे दिए गए एड्रेस पे पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला जहां के लोग रुडोल्फ फेंट्स के नाम के किसी व्यक्ति को भी नहीं जानते थे। कैप्टन हम्बर्ट उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक्स को चेक करने लगे, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं मिल सका। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंट्स नाम के किसी भी व्यक्ति का मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई थी। कोई भी सुराग ना मिलने के अभाव में कैप्टन हम्बर्ट ने फिर भी रुडोल्फ फेंट्स की तहकीकात जारी रखी, और अंततः सन 1939 के एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंट्स जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस उन्हें मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि अब उस एड्रेस पर कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फेंट्स जूनियर से ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंट्स जूनियर के बैंक डिटेल्स कैप्टन हम्बर्ट को मिल गई। बैंक जाने के बाद कैप्टन हम्बर्ट को ये पता चला कि रुडोल्फ फेंट्स जूनियर के बैंक अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी बीबी अभी भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। कैप्टन हम्बर्ट ने फ्लोरिडा जाकर उस एड्रेस पर पूछताछ की, और वहां कैप्टन हम्बर्ट को रुडोल्फ फेंट जूनियर की पत्नी ने जो बताया वो सुनकर हम्बर्ट बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि रुडोल्फ फेंट्स रुडोल्फ फेंट जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में कहीं लापता हो गए थे। वह एक शाम अपने घर से सैर करने निकले थे और उस शाम के बाद से वो कभी भी घर वापस नहीं लौटे। ये जानकर कैप्टन हम्बर्ट और उनके साथी बिल्कुल हैरान हो गए। वो किसी को भी उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कैप्टन हम्बर्ट ने सन 1876 की सभी मिसिंग रिपोर्ट को खंगालना शुरू किया और एक दिन उन्हें रुडोल्फ फ्रेंड्स के नाम की एक मिसिंग रिपोर्ट सन 1876 की उन्हें मिल गई। इस रिपोर्ट में गुमशुदा के जो हुलिया बताया गया था वो 1951 में मरे हुए व्यक्ति से हूबहू मेल खा रहा था। कैप्टन हम्बर्ट के द्वारा जुटाए गए सबूतों से अब ये पक्का हो गया था कि सन 1876 की मिसिंग रिपोर्ट वाले और 1951 में मरे हुए रुडोल्फ फ्रेंड्स एक ही व्यक्ति थे। लेकिन सन 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंच गया, इस बात का जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। बस कुछ थ्योरीज जो ये कहती हैं कि ये टाइम ट्रेवल या फिर टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी जिनमें रुडोल्फ ने अचानक समय यात्रा की थी। अब आप लोगों का इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की हिस्ट्री एंड मिस्ट्री से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसी नोट के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अपने किसी ऐसे ही हैरत अंगेज एंड इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने इस दोस्त और होस्ट रोहित को दीजिए इजाजत। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।